अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में योग शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। सभी 13 जिलों में विभिन्न स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव ने भी योग शिविर में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग आध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में भारत ही नहीं पूरे विश्व का केंद्र रहा है। हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 1000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बधाई देता हूं। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि आज योग के माध्यम से राष्ट्र धर्म का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि योग के द्वारा रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसके साथ ही उद्यमशीलता को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड को दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित करना है। भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म सनातन धर्म के माध्यम से युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। इस मौके पर उन्होंने 32 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 20 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जागेश्वर को धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। सबसे बड़ा उपाय कोई है तो योग है, इसलिए योग को अपनी पद्धति में अपनाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज वो वाशिंगटन में योग करेंगे और निश्चित रूप से वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में योग कर रहे हैं। उनको इस प्रकार से विश्व के बड़े बड़े देश विश्व के बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से उनको आज उनका आवभगत कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, इससे हर भारतवासी उनके रूप में अपना ही स्वागत समझ रहा है, हर भारतवासी गौरवान्वित। वहीं चंपावत में 5 मानसखंड स्थलों में योग शिविर लगाए गए। जिला मुख्यालय गोलझू परिसर के गौरल चौड़ मैदान सहित मां पूर्णागिरी मंदिर परिसर, गुरुद्वारा रीठा साहिब परिसर, मां बाराही धाम परिसर, देवीधुरा और पर्यटक स्थल कोली ठेक झील लोहाघाट में जिला स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों एसएसबी आईटीबीपी पुलिस जवानों स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। योगाचार्य राजेन्द्र गहतोड़ी ने कहा कि योग शरीर को निरोगी रखने में अहम भूमिका अदा करता है। उन योगों के अभ्यास के बाद यदि वो नियमित करते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ उनके जीवन में होता है। वहीं बागेश्वर में जिला मुख्यालय के सरयू घाट बाबा बागनाथ धाम के साथ गरुड़ के बैजनाथ मंदिर में योग शिविर लगाए गए। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि योग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। स्वस्थ जीवन शैली का एक हमारा मूलभूत आधार है, योग हम करें रोज दिनचर्या में, योग को जरूर शामिल करें। चमोली के सीमावर्ती गांव वाइब्रेंट विलेज माना में सेना के जवानों ने भी योगाभ्यास किया। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में भी योग शिविर लगाया गया था। गोपेश्वर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने योग कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज योग को विश्व में नई पहचान मिली है। योग को लोगों ने प्राणायु मान लिया है। आज अनेकों घरों के अंदर प्रतिदिन योगा होता है और उस दृष्टिकोण से भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर आज योग दिवस मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व को ये सौगात दी गई है, जीवन रक्षक सौगात में इसको बोलते हैं। आज गोपेश्वर के अंदर भव्य कार्यक्रम रहा। टिहरी के बादशाही थौल में 3 राज्यों के 600 राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षुओं ने योगाभ्यास किया। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार और विधायक किशोर उपाध्याय ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि योग पर अधिकतर शोध भारत में ही हुए हैं। जितने भी योग से संबंधित जितने भी उन्नत प्रयोग हुए वो सारे के सारे इस गंगा परसोता धरती से हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भी वहां हुआ जहां मां गंगा ने जन्म लिया है।